बस्ती जिले के अपहृत बच्चे को एसटीएफ ने बदमाशों के चंगुल से गोरखपुर के सहजनवा से साकुशल बरामद किया। आपको बता दें कि बस्ती के कपड़ा व्यापारी के बेटे को आरोपियों द्वारा 23 अप्रैल को अपहरण कर लिया गया था। शनिवार को सुबह 5 बजे बस्ती पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बच्चे को साकुशल बरामद कर लिया और अपहरणकर्ता 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं बच्चे को बदमाशों ने सहजनवा में शिवपुरी कॉलोनी के एक किराए के मकान पर बांध कर रखा था, जिससे बच्चे को कुछ जगह चोट भी आई थी। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के पिता से 50 लाख की फिरौती मांगी थी, जिस पर बस्ती के व्यापारी अशोक ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो वह नंबर चाय बेचने वाले शिवा नाम के युवक का निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि अपहरणकर्ता ने मोबाइल खराब होने का बहाना बनाकर उससे फोन मांगा था। उसके बाद उसके नंबर से ही अशोक से फिरौती मांगी थी। एसटीएफ इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह के मुताबिक बदमाशों ने बच्चों को गोरखपुर के सहजनवा इलाके में किराए के एक छोटे से कमरे में बांध कर रखा था। उसके साथ मारपीट करते थे, उसे पानी तक नहीं देते थे। अपहरणकर्ता ने बच्चे के पिता से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। एसटीएफ व पुलिस की संयुक्त टीम ने बच्चे को अपहरणकर्ता से मुक्त करा लिया और दोनों अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। अपहरणकर्ता की पहचान गोरखपुर के पाली निवासी सूरज सिंह और आदित्य सिंह के रूप में हुई है तथा आरोपी सूरज और आदित्य दोनों सगे भाई हैं। सूरज बड़ा और आदित्य छोटा है। सूरज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वह एक पैर से दिव्यांग है तथा छोटा भाई आदित्य संत कबीर नगर के बरदहिया बाजार से कपड़े खरीद कर संत कबीर नगर, बस्ती व गोरखपुर की दुकानों पर सप्लाई करता है। इस समय दोनों के पास पैसों की तंगी थी। दोनों ने मिलकर बच्चे के अपहरण का प्लान बनाया और बच्चे का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगी। उन्हें लगा दुकानदार पैसे दे देगा और वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरे के मोबाइल से फिरौती मांग रहे हैं। जिस मकान के कमरे में बच्चे को बांध कर रखा गया था, वह मकान जगन्नाथ कन्नौजिया का है। इसे एक महीने से इन लोगों ने किराए पर लिया था तथा एसटीएफ के अनुसार दोनों ने जिस बच्चे का अपहरण किया था, उसके पिता की दुकान पर एक साल से कपड़े का सप्लाई करते थे। इस दौरान दुकान पर दोनों का आना जाना लगा रहता था। बच्चा भी दुकान पर आता था तो इन दोनों से परिचित हो गया था, इसलिए जब दोनों ने उसे बाइक पर बैठाया तो वह उनके साथ चला गया। बच्चे को सकुशल बरामद करने पर बस्ती के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एसपी बस्ती आशीष श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिसकर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने कहा, बस पानी ला रहा है बाबू, एक सेकंड ना, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, थोड़ा डॉक्टर करते हैं। सब इसको इसको फैला रहा है, इसको फैला, हाँ इसका कपड़ा कपड़ा इसका कपड़ा रहता है पहले बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कटन हो कटन हो, हम ये भी करते हैं, ये जैसे देखो तब ठीक से करवा दे बस बाबू, आगे पानी पिला रहा हूँ आपको, ले चल गया देखा है, पकड़िएगा धीरे से काट, हिला लो बेटा, फटा है क्या, कट गया क्या, उनके डॉक्टर के लिए चले जाने के लिए, डॉक्टर के लिए चलो, डॉक्टर के यहाँ मत करो, मत करो,
अंदर चलिए अभी चल पानी कोई ना थोड़ा सा पानी थोड़ा सा थोड़ा सा रुक गया और पी ला तनी से पी ला उठा कर लो तेईस अप्रैल को जनपद बस्ती के थाना रुदौली से हुए अखंड कसौदन के अपहरण कांड का सफल खुलासा जनपद बस्ती की पुलिस ने एसटीएफ की टीम के साथ में मिलकर के 30 अप्रैल के तड़के भोर में किया और अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जो हमारी वीडियो सर्वांश की टीमें लगी थी उन्होंने अपहर्ताओं का हुलिया देख लिया था और जो वीडियो के माध्यम से जानकारी हो गई थी और ये जानकारी थी कि अपहर्ताओं के पास में हरे रंग की एचएफ डीलक्स बाइक है। इसी में एचएफ डीलक्स बाइक के संबंध में हमारी टीमें कई जगह पर सर्च कर रही थी। थाने के पास में हमारी एक टीम एसआई जनार्दन प्रसाद, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव, नंद किशोर विश्वकर्मा और चंद्रकेश प्रजापति के नेतृत्व में लगी हुई थी। तो 29-30 की रात्रि में ये अपहर्ता उसी एचएफ डीलक्स बाइक के बैठ करके थाने के पास से निकल रहे थे, तभी इनका ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे। चूँकि वीडियो सर्वेलांस के माध्यम से उनकी मोटा मोटा हुलिया हम लोग के पास था, इस आधार पर उनको घेर कर पकड़ा गया और उनको थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करी गई। पूछताछ में एसटीएफ भी साथ में आ गई। पूछताछ में उन्होंने ये बातें बताई कि वो जो अपहृत है अखंड कसौदन उसके पिता अशोक कुमार गुप्ता के बिजनेस में माल सप्लाई करते थे, वो पहले से उसको बच्चे को जानते थे, उनके ऊपर कुछ लोन था जिस कारण से उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया और बच्चे को सहजनवा गोरखपुर में छुपा करके रखा था। उनकी सूचना के आधार पर जनपद बस्ती की पुलिस और एसटीएफ की टीम जाकर के सजनवा गोरखपुर से उन्होंने अखंड कसौदन को सकुशल बरामद किया है और उसके परिवार को दे दिया गया है। पूरी घटना इस प्रकार है कि अखंड कसौदन के पिता अशोक कुमार गुप्ता को ये दोनों लड़के जो अभियुक्त सूरज सिंह एवं आदित्य सिंह पुत्र कृपानंद सिंह ये दोनों भाई हैं, ये कुछ माल सप्लाई किया करते थे, तभी से इस बच्चे को जानते थे, बच्चा इनसे भुला मिला था। चूँकि इनके ऊपर कर्ज हो रखा था तो इसलिए उन्होंने ये योजना इस बच्चे को अपहरण करने की योजना 10 दिन पहले से बना रखी थी। 22 तारीख को भी उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था लेकिन 23 को वो अपहरण करने में सफल रहे। बच्चे को उन्होंने ये बहाना बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो चल करके उसको बदलवा दे। उनके इसी बहाने पर बच्चा बाइक पर बैठ करके चला गया और बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। चूँकि ये एक सनसनीखेज घटना है इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अभियुक्तों के खिलाफ हम एनएसए की कार्रवाई भी करें।